हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू एमबीडी आर्या मॉडल स्कूल, क्लास 10th, इकोनॉमिक चैप्टर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर प्रोडक्ट गया तो किस बेस पे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से जाना स्टार्ट हुआ। अनटिल द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, अगर 20th सेंचुरी के मध्य तक की बात करें तो प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्रीज़, तो कंट्रीज़ में ही प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता था, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे देखें, ग्रो करते हैं, तो वट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दिस कंट्रीज़ वर रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश प्रोडक्ट। दैट मीन्स अगर बाउंड्रीज क्रॉस होता भी था तो क्या जाता था, रॉ मटेरियल जाता था, फूड स्टफ जाता था और फिनिश प्रोडक्ट थे जो कि एक बियॉन्ड ऑफ बाउंड्रीज जाते थे। अब अगर हम कॉलोनीज पीरियड की बात करें, सच एज इन इंडिया कॉलोनी कंट्री है था, एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल, तो वो क्या करता था, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड्स, और वहाँ से तैयार माल आता था। तो यही तो करते थे इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, तो वो यही तो करती थी, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे क्योंकि सस्ता मिलता है। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल जो यहाँ पे मिल रहा है तो वो क्या हो रहा है, बिल्कुल सस्ता मिल रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी बहुत अट्रैक्ट हुई, तो पहले जो इंडिया में होता था एमएनसीज कंपनी के आने से पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो जब भी होता था, लेकिन एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल और इंपोर्ट होता था फिनिश गुड। तो और किस लिए होता था, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि जो ट्रेडर्स थे वो यही देखते थे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट मिलेगी अपने सामान के लिए, और फिर उसको तैयार करके वो सेल करते थे, यानी फिर इंडिया में इंपोर्ट होता था फिनिश गुड, यानी तैयार होके आता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन ट्रेड वॉज द मेन चैनल। लेकिन ट्रेड क्या रहता था, मेन चैनल, यानी जब एमएनसीज कंपनी नहीं थी, कनेक्ट करती थी डिस्टेंस कंट्री को, यानी एक कंट्री यहाँ पर दूसरी कंट्री यहाँ है, तो कैसे कनेक्ट होती थी, ट्रेड के थ्रू होती थी, यानी ट्रेड होता था, व्यापार होता था कि तैयार माल कच्चा माल ले लिया या तैयार माल यहाँ पर भेज दिया, तो इस तरीके से काम होता था पहले जब एमएनसीज कंपनी नहीं थी। लेकिन दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनी, लेकिन यही काम जब बहुत बड़ी कंपनी करने लग गई, यानी लार्ज कंपनी करने लग गई, जिनका एक ही कंपनी का जब बहुत सारी कंट्रीज़ में लिंक होता है, जब एक कंट्री का बहुत सारी कंट्री में लिंक होता है, बहुत सारी मार्केट में सेलिंग होती है, तो दैट मीन्स यही काम जब लार्ज कंपनी करती है तो उसे हम कहते हैं एमएनसीज, ठीक है। तो ट्रेड तो होता था पहले भी एमएनसीज कंपनी से पहले भी, लेकिन एमएनसीज कंपनी वो हैं जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना ट्रेड करती हैं। इनका क्या होता है, एमएनसीज कंपनी होती क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है, ये इनका क्या होता है, अपनी कंपनी होती है, कंट्रोल होता है प्रोडक्शन पे, और मोर देन वन नेशन, एक से ज़्यादा नेशन में इनका क्या होता है, वर्क होता है, काम करते हैं ये। और ये कहाँ पे सेटअप करते हैं अपने ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, जो एमएनसीज कंपनीज होती हैं, प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर, जहाँ पे इनको सस्ता लेबर मिल जाए, अदर रिसोर्सेज मिल जाए, जैसे मार्केट, और हम कह सकते हैं लाइट, पानी, ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़, और गवर्नमेंट की जो जो मतलब कंडीशन होती है पॉलिसीज़ को लेकर, वो कितनी लिबरलाइजेशन है, तो ये सारी चीज़ें देखती है एमएनसीज कंपनी जब जाके वो अपने ऑफिस और फैक्ट्री सेटअप करती है किसी भी कंट्री में। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो, अगर ऐसा हो जाता है, चीप लेबर मिल जाता है, अदर रिसोर्सेज मिल जाते हैं एमएनसीज को, तो उनके प्रोडक्ट की जो कीमत होती है वो लो होती है, और जिसकी वजह से एमएनसीज कंपनी अर्न कर पाती है ग्रेट प्रॉफिट। और इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें ये समझाया है कि जो एमएनसीज कंपनी है वो एक से ज़्यादा कंपनीज जगह पे काम करती हैं, कैसे, जैसे कि यहाँ पे बताया यूएसए में जो है डिज़ाइन बनाया गया, ठीक है, डिज़ाइन तैयार किया गया प्रोडक्ट का, भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है तो डिज़ाइन तैयार किया, फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए चाइना में सेटअप की गई वहाँ पे इंडस्ट्री, और अगर मार्केट में सेल करना है तो पास की जो मार्केट्स हैं वहाँ पे सोचा गया कि उसको सेल करनी है, जैसे ईस्टर्न यूरोप हो गया या मैक्सिको हो गया, तो वहाँ पे सेल करने के लिए इसको सोचा गया। अब जो मेन चीज़ है, कॉल सेंटर्स कहाँ बनाए गए, इंडिया में, तो दैट मींस आप देख रहे हो एमएनसीज कंपनी क्या है, एमएनसीज कंपनी सिर्फ ये नहीं है बाय और सेलिंग का काम कर रही है, दैट मींस वो कंट्रोल कर रही है बनाने से लेकर सेलिंग करने तक का जो प्रोसेस है, और वो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपने आप को लिंक करती है, जैसे कि डिज़ाइन यूएसए में बन रहा है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेल करने के लिए मार्केट उसको मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप मिल रहा है, और कॉल सेंटर जहाँ पे उसको एक यूथ मिलता है, क्योंकि जो यूथ होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं मोस्टली,
कॉल सेंटर में उनको जो इंजीनियरिंग होते हैं टेक्निकल इंजीनियरिंग वो इंडिया में ईजिली मिल जाते हैं, तो स्किल इंजीनियर मिल जाते हैं जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस होता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सारी फैसिलिटीज़ की वजह से जो MNCs कंपनी हैं वो क्या करती हैं, अपना वर्क एक से दूसरी कंट्रीज़ में करती हैं। एग्ज़ाम्पल में MNCs इज़ नॉट ओनली सेलिंग फिनिश प्रोडक्ट ग्लोबली, सिर्फ वो अपना सामान ही सेल नहीं करती हैं बल्कि मोर इम्पॉर्टेंट, वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, द गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस ग्लोबली, वो गुड्स हों या सर्विस हों ग्लोबली प्रोड्यूस करती हैं, और एज अ रिज़ल्ट क्या आता है, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। दैट मीन्स आप देख रहे हो किस तरीके से जो गुड और सर्विसेज हैं वो मैनी कंट्रीज़ में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, पूरी यूनिट चल रही है, और जो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, एक इंक्रीज़ हो रहा है, एक वे कॉम्प्लेक्स वे तैयार हो रहा है, एक ऐसा रास्ता तैयार हो जाता है जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, जिससे हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ डिवाइड इंटू स्मॉल parts and spread out across the globe, यानी ये एक ऐसा process है जो कि small small parts में अलग अलग countries में divide है, कोई ना कोई काम किसी ना किसी country में हो रहा है। example में देखें तो China provide कर रहा है advantage of being chief manufacturer location, यहाँ पर MNCs कंपनी को location कौन दे रहा है factory लगाने के लिए, दे रहा है यहाँ पे ये चाइना। उसके बाद मैक्सिको, ईस्टर्न जो यूरोप हैं यहाँ पे जो ये यूज़फुल हैं, किस लिए यूज़फुल हो पा रहे हैं, फॉर क्लोजनेस टू द मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज है तो वो सेल कर पा रहे हैं MNCs कंपनी, और इन USA एंड यूरोप में ये सब मार्केट के बिल्कुल क्लोज में होने की वजह से। एंड इंडिया हैज़ हाईली स्किल इंजीनियर हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, और इंडिया के अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वजह से वहाँ पे कॉल सेंटर्स हैं जो कि वर्क करते हैं, और एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है वो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर केयर सर्विस, एंड ऑल दीज प्रोबेबली कैन मीन 50-60% कॉस्ट सेविंग फॉर द MNCs, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट सेविंग होती है। ये तीन जगह काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कहीं पर मार्केट है तो कहीं पर उनकी लोकेशन है तो कहीं पे उनका कॉल सेंटर है, ये पूरा प्रोसेस क्या कर रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को क्या कर देता है MNCs की कम कर देता है, क्योंकि वो हर जगह हर वो एक काम करने की कोशिश कर रहा है जिससे उसकी कॉस्ट लो से भी ज़्यादा लो हो जाए। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस, दैट मीन्स ये एक फ़ायदा है अपने प्रोडक्ट को अक्रॉस करने का, बॉर्डर को क्रॉस करने का, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर सेल हो रहा है, तो दैट मीन्स ये एक ट्रू वे में कहें तो मल्टीनेशनल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और जिसको हम कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए ग्रो करने के भी और प्रॉफिट के लिए भी, स्पेशल MNCs के लिए। अब देखेंगे स्टूडेंट इंटरलिंकिंग प्रोडक्शंस अक्रॉस कंट्रीज़, किस तरीके से जो कंट्रीज़ है वो इंटरलिंक हो रही हैं आपस में MNCs कंपनी की वजह से, वो जुड़ रही हैं आपस में, तो वो चीज़ हम इसमें रीड करेंगे। इन जनरल MNCs सेटअप प्रोडक्शंस वेयर इट इज़ अ क्लोज टू द मार्केट, MNCs अपना सेटअप कहाँ प्रोड्यूस करती हैं, जहाँ पे मार्केट क्लोज होती है, अभी आपने देखा, वेयर देयर इज़ अ स्किल एंड अनस्किल लेबर, और जहाँ पे उनको स्किल लेबर या अनस्किल लेबर मिलेगा, यानी जो इंजीनियर लेवल के जो स्किल होते हैं, इंजीनियरिंग जो होते हैं वो हमारे स्किल में आ गए, अनस्किल में जो मैनुअल वर्क करते हैं, हाथ से काम करते हैं, तो दोनों लेबर अगर उनको मिल रहे हैं अवेलेबल है एट लो कॉस्ट पे, तो MNCs कंपनी वहीं पे अपना प्रोडक्शन सेट करेगी ना, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मार्केट, स्किल, अनस्किल, लो कॉस्ट पे, एंड वेयर द एबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स, और दूसरे भी फैक्टर्स वो देखती हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, प्रोडक्शन एज इज एश्योर्ड, जो उसके प्रोडक्शन को एश्योर्ड करें, तो ये सारे चीज़ें हैं जो MNCs क्या करेंगी, किसी भी लोकेशन में अपने आप को सेट करने से पहले देखेंगी। इन एडिशन MNCs माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, और ये भी देखेंगी कि क्या उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि जो कंट्री में वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ का इंटरेस्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। और यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज़ लर्न लेटर चैप्टर, अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में चैप्टर में। Having assured themselves of this condition, MNCs set up factories and office for production. अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो ये कंडीशन सेटअप कर रही है MNCs अपने लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए,
द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय असेट्स, सबसे पहले वो क्या करेगी जब उसने लोकेशन देख लिया, तो वहाँ पे असेट्स खरीदेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि जो इनका काम क्या होता है, इंटरलिंकिंग के लिए काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना। वो डिपेंड करता है, बहुत सारी वेरियस कंडीशंस होती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि जिसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, यानी जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, निवेश करती है, तो वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है, निवेश कहलाता है। तो अब ये जो वो किस पे कर रही है, या तो बिल्डिंग पे करेगी, या फिर मशीन पे करेगी, या फिर कोई भी इक्विपमेंट्स है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी एमएनसीज कंपनी कर रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी वही है जो ये इन्वेस्टमेंट, वही एमएनसीज कंपनी द्वारा जब किया जाता है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, यानी विदेशी कंपनी जब किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है। एनी इन्वेस्टमेंट इज़ मेड विद द होप दैट दीज असेट्स विल अर्न प्रॉफिट। कोई भी एमएनसीज कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसका मतलब वो क्या सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। इसी बेस पे एमएनसीज कंपनी अपना सेटअप कहीं ना कहीं वो सेट करती हैं। उसके बाद अगर हम देखें, एट टाइम एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सेम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दिस कंट्रीज। इस अपने आप को सेटअप करने के लिए पहला काम तो वो क्या करेंगी कि किसी के साथ हम पार्टनर बन जाएं, तो कोशिश करेंगी कि पहले से ही जो कंट्री है वहाँ पे हम क्या हो जाएं, उसके पार्टनर बन जाएं, क्योंकि बेनिफिट क्या होगा, लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज़ टू फोल्ड। दैट मीन्स जो रेपुटेड कंपनी वहाँ पहले से ही है, लोकल कंपनी है, तो उसके कंज्यूमर होंगे, उसका रेपुटेड प्रोडक्ट है, तो उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो फर्स्ट सबसे पहले सोचती है कि भाई हम किसी भी जा रहे हैं लोकल कंपनी के साथ पार्टनर बन जाएं। फर्स्ट एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक अ बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शंस। पहला फ़ायदा क्या होगा, अगर हम बोले एमएनसीज कंपनी से, जो लोकल कंपनीज है, उसे ये फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा जो मनी इन्वेस्टमेंट कर रही है एमएनसीज कंपनी, कर रही है इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे वो मशीन खरीद रही है, तो उससे प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है कि दो तरीके से फ़ायदे होते हैं, लोकल कंपनी को भी फ़ायदे हो रहे हैं और किसको फ़ायदा होता है, एमएनसीज को भी, लेकिन लोकल कंपनी को सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम, लोकल कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो लोकल कंपनी का सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से क्या हो रहा है, फास्टर प्रोडक्शन हो रहा है। सेकेंड हमें देखें तो एमएनसीज माइट ब्रिंग विद दैम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, अपने साथ क्या ला रही हैं, टेक्नोलॉजी ला रही हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि बहुत फास्ट काम कर सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी हमारी फास्ट है। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। लेकिन हम देखें तो कॉमन जो रूट होता है एमएनसीज इन्वेस्टमेंट करने का, वो मोस्टली सोचती हैं लोकल कंपनीज़ को ख़रीद लें और फिर अपना प्रोडक्ट एक्सपेंड कर दें। तो ये तो होता है सेकेंड तरीका। फर्स्ट आपने देखा कि किस तरीके से वो पार्टनरशिप करती हैं किसी लोकल कंपनी के साथ, तो उससे लोकल कंपनी को फ़ायदा होता है और एमएनसीज कंपनी को भी फ़ायदा होता है। लेकिन सेकंड वो क्या कोशिश करती हैं कि खुद ख़रीद लें हम लोकल कंपनी को, ठीक है, क्योंकि एमएनसीज क्या करेंगी, ह्यूज वेल्थ, बहुत सारा पैसा देंगी, कैन क्वाइट ईजली डू सो, बहुत ज़्यादा लोकल कंपनी के लिए फ़ायदा होगा। लाइक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कारगिल फूड जो है अमेरिकन की एक लार्ज एमएनसीज कंपनी हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज अ परक फूड। तो उसने इंडियन की रेपुटेड कंपनी परक फूड को ख़रीद लिया, यानी उससे ख़रीदने से क्या हुआ कि उसने उस पर अपना टैग लगा दिया, और परक फूड हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के अलग अलग उसके जो नेटवर्क में है, वो उसके इंडिया के इस प्रोडक्ट के जो परख के नेटवर्क थे, वो भी उनके अंदर हो गए, अंडर में आ गए एमएनसीज के, वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रेपुटेडेड। और जबकि ये ब्रांडेड बहुत रेपुटेड था, तो परख फूड हैड फोर ऑयल रिफाइंस, परख फूड्स की ऑल ऑयल रिफाइंस भी हैं उसके पास, और हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। लेकिन अब ये शिफ्ट किस पे हो गया, कारगिल के पास, क्योंकि अमेरिका की कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो लोकल कंपनी की थी, खरीदने की वजह से किसको मिल गई, कारगिल को मिल गई। तो कारगिल नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अब वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया ऑफ एडिएबल ऑयल इन इंडिया, इंडिया के अंदर एडिएबल ऑयल बनाने का, विद अ कैपेसिटी टू मेक अ 5 मिलियन पाउचेस डेली। अब ये कैपेसिटी है एमएनसीज कंपनी की डेली प्रोडक्ट बनाने की और उसको सेल करने की। तो सेकंड मेथड तो ये है कि वो किस तरीके से किसी भी कंट्री में मतलब अपने आप को सेटअप करते हैं। और इनफैक्ट हम देखें तो मैनी टॉप एमएनसीज, ये थर्ड वे है
जो हम देखते हैं एमएनसीज कंपनी अपने आप को कैसे कर रही हैं। फर्स्ट में हमने देखा पार्टनरशिप कर रही थी वो, और सेकंड में हमने देखा वो लोकल कंपनी को ही खरीद लेती हैं, और थर्ड में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो एमएनसीज कंपनी वेल्थ को एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट्स। यानी हम देखें तो जो टॉप एमएनसीज कंपनी होती हैं वो जो वेल्थ होती हैं तो उनका बजट भी बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि जो ये एमएनसीज कंपनी होती हैं तो ये अपने आप को एक्सीड करती हैं। विथ सच एनॉर्मस वेल्थ इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एमएनसीज। यानी जो इनकी वेल्थ होती है, जो ये डेवलपमेंट कंट्री का के साथ इनका बजट है और जो इनकी पावर है, तो ये इनको इन्फ्लुएंस करती है एमएनसीज को। कैसे देयर अनदर वे हम देखें तो इसके अंदर अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन, एमएनसीज कैसे प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन, ऑर्डर देती हैं पहले प्रोडक्शन को प्लेस करने के लिए। किसको देंगी? स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। ये तीसरा तरीका है जब एमएनसीज कंपनी अपने आप को किसी भी कंट्री में सेटअप करती है। तो अब वो क्या करेंगी, जैसे कि गारमेंट्स है, फुटवेयर है, स्पोर्ट्स आइटम है, एग्जाम्पल्स ये ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्हें ऑर्डर दिए मिलते हैं, एमएनसीज कंपनी देती हैं प्रोड्यूस करने के लिए स्मॉल स्मॉल, और ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं बहुत बड़े अमाउंट में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने सामान को। तो ये जो प्रोड्यूस होता है, तो इसके बाद जो ये अनदर इनका फॉर्म होती है, यानी जो एमएनसीज कंपनी होती हैं तीसरे तरीके से कैसे अपने आप को बिल्ड करती हैं किसी भी कंट्री के साथ, तो ये क्या करेंगी, सप्लाई करेंगी अमाउंट को। द प्रोडक्ट आर सप्लाइड टू द एमएनसीज, यानी प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। और द प्रोडक्ट्स आर सप्लाई टू द एमएनसीज विच देन सेल दीज अंडर देयर ऑन ब्रांड नेम्स टू द कस्टमर्स। यानी अब कस्टमर को जो एमएनसीज कंपनी सेल कर रही है तो वो अपना ब्रांड लगाकर सेल करेगी ना, स्मॉल ट्रेडर से तो उसने क्वांटिटी में छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बनवा लिया, लेकिन ब्रांड अपना लगा देती है। तो ये जो एमएनसीज होती हैं ट्रीमेंडियस पावर होती है इनके पास, डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशंस फॉर दीज डिस्टेंस प्रोड्यूसर्स। दूर बैठे हुए डिस्टेंस पे भी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए हम देखें तो ये सभी कंडीशन सारी कौन डिटरमाइन करता है, कौन इस किसके पास पावर है, एमएनसी इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है अपना ब्रांड लगाकर सब चीज़ों को। तो हमने देखा दस वी सी देयर आर अ वेराइटी ऑफ वे विच एंड द एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन एंड इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर्स इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। तो हमने देखा एमएनसीज कंपनी अपने आप को और अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से ग्लोब के साथ, यानी पूरे वर्ल्ड के साथ किस तरीके से बढ़ाती हैं और किस तरीके से सेटअप करती हैं। जैसे कि हमने देखा बाय पार्टनरशिप, हमने देखा विद लोकल कंपनी के साथ, या फिर हमने देखा लोकल कंपनीज को सप्लाइज करते हैं बाय क्लोजली कॉम्पिटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप, या तो उस कंपनी के साथ कॉम्पीट करके या फिर कंपनी को खरीद के। एंड एमएनसीज आर एक्सट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और प्रोडक्शन, एमएनसीज कंपनी बहुत इन्फ्लुएंस डालती है किसी भी प्रोडक्शन पे एज एट दीज डिस्टेंस लोकेशन, यानी कितनी भी डिस्टेंस पे कोई लोकेशन क्यों ना हो। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रोडक्शन का लिंक आपस में लोकेशन की वजह से हो जाता है वर्ल्ड वाइड। एमएनसीज कंपनी एक दूर बैठे हुए भी किस तरीके से किसी प्रोडक्ट पर अपना इन्फ्लुएंस डाल सकती हैं और वो सेल करती हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं इंटरलिंक किस तरीके से कंट्री के साथ करते हैं, वो हमने टॉपिक रीड करा है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट किसे कहते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।